दुनिया भर की सास से बहुओं से कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हो सकती। हम बताते क्यों? बहू नौकरी करती है तो बहू सुबह से निकल जाती है पैर चटकार के, घर के कामों से कोई मतलब नहीं, लड़के को दबा के रखेगी। अगर बहू नौकरी नहीं करती है तो सारा हमारा ही लड़का मेहनत कर डाला है, चार पैसे भी नहीं कमा सकती, पता नहीं क्या पढ़ी लिखी है ना। अगर बहू खूब खाना पीना सब बना रही है, सुबह का नाश्ता शाम का नाश्ता, तो घर का राशन ही खत्म कर देती है, हर समय इनका नाश्ता ही पानी चला करता है। अगर वो कुछ नहीं बना रही है तो बताओ नाश्ता भी नहीं बना के दे सकती, ना सुबह के नाश्ते से मतलब है ना शाम के नाश्ते से मतलब है। अगर वो जीन्स पहन रही है तो बताओ जीन्स पहनती है, ये करती। अगर वो जीन्स नहीं पहन रही है, सिर्फ साड़ी हो ये उसमें टहल ली है, तो बताओ इसको कोई फैशन का सेंस ही नहीं। उनकी बहू को देखो कितनी स्मार्ट बन के रहती है ना। अगर बहू जो है दहेज लेके आई है बहुत सारा, तो कहेंगे कि घर वालों को दबा के रखेगी, अब तो दहेज लेके आई, कोई काम धंधा तो करेंगी नहीं। और अगर कहीं दहेज नहीं लेके आई तब तो खैर कहने की जरूरत ही नहीं, फिर क्या हालत करेंगी उसकी सुना सुना के। अगर वो जवाब दे रही है तो यही सिखा के भेजा है माँ बाप ने। बताओ माँ बाप को, सास ससुर को जो है सबको जवाब दे रही, ज्यादा सब कामों में अड़ंगा फंसा रही है, हर काम में अपने राय दे रही है। और अगर कोई राय नहीं दे रही है, कुछ नहीं बोल रही, तो इनको तो किसी को दिमाग ही नहीं कि किसी चीज में अपनी भी राय रखें, कुछ बोले। इस परिवार को अपना परिवार ही नहीं समझती। और अगर कहीं जो है अपना परिवार समझ के हर चीज में बोलने लगे तो हर चीज में बोलती है, इनको तमीजी नहीं। अगर बहू सास को माँ समझ के ट्रीट करने लगे तो हम तुम्हारी माँ नहीं है, अपनी माँ से जैसे बात करना। और कहीं सास को माँ ना समझे तो बताओ हम तो बेटी की तरह रखते हैं, लेकिन ये हमको सास ही समझती है। तो बहुओं से सास कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती।